फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? बताओ मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं मीठी डिश अंगूरी हलवा। मेरे को तो लगा अंगूरी शरबत बनाएगी, क्योंकि गर्मी का माहौल चल रहा है ना, शरबत मजा आएगा गर्मी में। हलवा बना रहे तुम? हलवे में भी मजा आएगा, तू देख खा के। तो हलवा भी बनता है तो दूधी का बनता है, गाजर का बनता है या अंगूर का हलवा? अंगूरी हलवा बहुत मजे का बनता है, आप लोग भी बनाना, ठीक है? कुछ अलग सा हलवा बनने वाला है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जब मैं अंगूर का हलवा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम अंगूर, रवा, बेसन, दूध, शक्कर, बादाम, काजू, तिल, इलायची पाउडर, घी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। अब हलवा बना रहे हैं तो घी में ही बनेगा, आप जिसमें बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बनेगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अंगूर। यहाँ पे मैंने 1/4 किलो के इतना अंगूर ली हूँ, और गैस मेरा एकदम स्लो है, गैस फास्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, स्लो आंच पे ही इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे अंगूरों को। यहाँ पे मैंने गुच्छा देखिए डंडी के साथ डाली हूँ, ताकि हमको निकालने में इजी हो। तो कौन से, मीठे अंगूर लेना है या खट्टे? नहीं, अंगूर मीठे ही लेना है। अंगूर 1/4 किलो ली हूँ, इसलिए शक्कर की मात्रा भी मैंने थोड़ा कम ली है। यहाँ पे अभी मैं इसको पलटी कर लूँगी। आपको यहाँ पे स्लो गैस पे ही आपको अंगूर को फ्राई करना है, ठीक है? डंडियों के साथ फ्राई करेंगे तो ये फूटेगा नहीं, उड़ेगा नहीं आपके मुंह पे। इसके लिए यहाँ पे इसको अल्टी पल्टी करके मैंने अच्छे से पका ली हूँ, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको घी में पकाने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं ठंडे पानी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डंडी से सारे अंगूर अलग कर ली हूँ। घी में फ्राई करने की वजह यही थी कि जो अंगूर के हमारे छिलटे हैं वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके पीसने के बाद छिलटे मुंह में ना आए, एकदम अच्छे तरीके से पीस जाए। तो यहाँ पे अंगूरों को मैं अच्छे से डंडी से निकाल ली हूँ, अब हम इसको मिक्सर में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे अंगूर ले ली हूँ, अब क्या करेंगे, हम इसमें बादाम डाल देंगे। यहाँ पे मैं 15 से 20 बादाम ली हूँ, ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने काजू ली हूँ, ये कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ 2 बड़े चम्मच भर के मैंने तिल भी ले ली हूँ, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाटी दूध। अब मैं इसको आराम से बारीक पेस्ट बना के लेके आती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पेस्ट बना ली हूँ, है ना? बन गया हलवा? हाँ। नहीं नहीं, अब हम इसको रख देंगे पीस के साइड में। अब यहाँ पे मैंने वापस से गैस चालू कर दी हूँ, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पे मैंने 1/4 वाटी शक्कर ली हूँ, जो कि हम घी में ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको कलर चेंज होए तक मैं पका लूँगी, शक्कर का जो कलर थोड़ा सा चेंज होने देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से कैरेमल हो गई है शक्कर, अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ये 1/4 वाटी सूजी, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ली हूँ बेसन, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, और गैस एकदम स्लो कर देंगे, एकदम स्लो, ठीक है ना? मस्त खुशबू मस्त आने लग गई है, बस इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 1 से 2 मिनट भूनेंगे बस। तो यहाँ पे 2 मिनट मैंने अच्छे से भून ली हूँ, बिना हाथ रोके के इसको हिलाते रहना, ठीक है ना? नहीं तो रवा एकदम ज़्यादा जल जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये हमारा इलायची पाउडर, और यहाँ पे मैं डालूँगी हमारा ये जो पीसा हुआ अंगूर, काजू, बादाम, ये सब हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर फास्ट हिलाते रहेंगे, और गैस हमारा स्लो पे ही है, ठीक है ना? अंगूर कहाँ गए? अंगूर गए, गायब हो गए। अंगूरी हलवा है ना, अंगूर थोड़ी दिखेंगे, अंगूर तो हमने पीस के इसमें ऐड कर दिए अंगूरों के टेस्ट के हिसाब से। अब इसको थोड़ा सूखे तक मैं भूनूंगी अच्छे घी में।
तो यहाँ पे 10 मिनट से मैं पका रही हूँ। यहाँ पे अंगूर का पानी, दूध सब सूख चुका है, पूरा घी बाहर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, घी के अंदर 5 से 7 मिनट और भूनेंगे इसको, ठीक है, ताकि जो काजू और बादाम जो हमने पीसे हैं ना इसके साथ, उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने और 5 से 7 मिनट तक पका ली हूँ इसको अच्छा घी में। तो यहाँ पे हमारा अंगूरी हलवा रेडी हो गया है, मस्त वाला। यहाँ पे मैं गैस करूंगी बंद और इसको हम निकाल लेंगे अभी एक बॉल में। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरे में निकाल ली हूँ हलवे को। अब हम डालेंगे इस पे हमारे ड्राई फ्रूट। मैं यहाँ पे सिर्फ काजू ली हूँ क्योंकि हमने काजू बादाम सब अच्छे से पीस के इसके अंदर ऐड किए हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डालूँ, सिर्फ गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ली हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गया हमारा हलवा। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना अंगूर का अंगूरी हलवा। मैं अंगूरी हलवा तुम नाम दिए क्या? हाँ, एकदम प्रोटीन से भरा हुआ है, मस्त एकदम। लेकिन अंगूर तो मुझे कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे। हाँ, तो दिखाऊं ऊपर को रख के? खाली मुझे काजू काजू दिख रहा है इसमें। देखो इसमें बादाम, तिल, अंगूर और घी, मस्त प्रोटीन से भरपूर है। घर पे हलवा बना के खा सकते हो। अंगूर देखो, अंगूर ना बहुत से लोगों को पसंद होता है, तो भाई अंगूर वाले लोग जिसको अंगूर पसंद है ना वो तो जरूर बनाना ही हलवा। हाँ हाँ, चलो आओ देखते हैं, कुछ अलग है भाई। बिस्मिल्लाह। लो, कितने टाइम बाद है ना, मैं मुंह खोली थी मैंने, कितने टाइम बाद हम लोग खिला रहा हूँ यहाँ पे। लो, मुंह खोली थी मैंने, हाथ पीछे कर लिया, फिर बात कर रहा है। कैसा बना है? आओ बिस्मिल्लाह करते हैं, आओ देखते हैं कैसा बना है ये अंगूरी हलवा। मुझे तो रवे का हलवा लग रहा है, एकदम दानेदार बनाना। हलवा तो अच्छा है लेकिन ऐसा लग रहा है रवे। हाँ, रवा है लेकिन जो अपन ने अंगूर डाले ना उसके हल्की सी फीलिंग आ रही है। हाँ, पूरा थोड़ी आएगी क्योंकि मैंने उसमें काजू और बादाम उतना ऐड कर दी, उसमें तिल भी ऐड करी हूँ। माशाल्लाह, नॉर्मल जो रवे का हलवा बनता है ना उससे थोड़ा अलग टेस्ट आ रहा है इसका। एक वाटी खा लो, दिन भर खाना नहीं भी खाएंगे तो पूरी एनर्जी रहेगी। अभी मैंने देखो वो येलो वाले अंगूर के बनाए, काले अंगूर की भी बन सकती है। देख मैंने तो नहीं बनाई काले अंगूर की, लेकिन बनाना चाहे तो क्या नहीं बन सकता, कोशिश करती रहनी चाहिए हर चीज के अंदर। मैं तो यही अंगूर का बनाई थी इसलिए मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर। अभी मीठा अंगूर के बनाया, खट्टा अंगूर के बनेगा तो कैसे बनेगी? शक्कर थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी लेकिन वो भी बन जाएगी, शक्कर थोड़ी डबल करनी पड़ेगी। ये मीठे थे बोल के मैंने शक्कर बराबर ली थी। कैसा बना? हलवा तो अच्छा है, एकदम अलग है भाई। दानेदार ऐसा लग रहा नहीं है कि हम जो शीरा बना के खाते हैं ना वैसा नहीं है, नॉर्मल टेस्ट, अलग टेस्ट है और एकदम भी ज्यादा अंगूर का फ्लेवर नहीं आ रहा है, हल्का हल्का। अच्छा, इतना मीठा नहीं है, खाते रहे तो भी खाते रहेंगे आप, ऐसा नहीं कह रहे 2 चम्मच खाए तो बस बहुत मीठा है, ऐसा भी नहीं। हाँ, ज्यादा मीठा नहीं बनाना क्योंकि ना काजू और तिल और बादाम ये जो तीनों चीज का पेस्ट होता है ना ये फीका होता है, तो हमारी शक्कर को ना चूस लेता है, जो मीठा बने ना शक्कर का वो चूस लेता है। तो अंगूर का और जो शक्कर का मीठा था वो बैलेंस हुआ है। अगर और ज्यादा मीठा किसी को चाहिए तो शक्कर बढ़ा सकते हैं। हाँ। ऐसा ये एकदम मीठा नहीं है वो बोलने का मतलब। लेकिन मैं बोल रहा था कि अभी चलती है गर्मी, गर्मी के सीजन में जूसेस, शरबत ये सब की रेसिपी मिलती है ना तो मजा आता है। लोगों को नहीं पता होता ना तो पता चल जाने के बाद घर पे बना के पीता है। तो इसका सीधा सीधा बोलने का ये मतलब था कि अम्मी तुम अंगूरी हलवा बना रहे हो, अंगूरी जूस बना देते तो मुझे और मजा आता। मैं को अभी 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 गर्मी चल रही है, ऊपर आने के बाद मन पड़ा मुझे कि हलवा बन रहा है। इंशाल्लाह कमेंट आएंगे अगर जूस के लिए तो मैं जरूर जूस बनाऊंगा। तो भाई कौन सा शरबत या फिर जूस आपको देखना है कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है, चलते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा और ये हलवा अंगूरी वाला कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ये मैं क्या बोल रही थी, देखो इसके अंदर है ना काजू बादाम और तिल हमने ये पीसे हैं, तो इसके लिए हम जो रवे के साथ में इसको भुने हैं घी में, तो जब अंगूर का पानी, शक्कर का पानी, दूध ये सब सूख जाने के बाद
ये नहीं सोचना कि हलवा रेडी हो गया है, घी छोड़ दिया है। नहीं, जब घी छोड़ देगा तो घी के अंदर भी इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनना, ताकि वो जो काजू बादाम और तिल का जो कच्चापन है वो भी पक जाए, क्योंकि हमने सारी चीजें कच्चे ऐड करे हैं इसमें, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से भून लेना थोड़ा सा। और इलायची पाउडर डाली हूँ मैंने, आप चाहे तो इसमें जाफरान भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पाइनएप्पल आता है ना एसेंस, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। और ड्राई फ्रूट आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, मैंने जितना ली, जरूरी नहीं है आप उतना ही लो, ठीक है ना। चलते हैं। और बिना वीडियो के सब्सक्राइब करे बिना आगे नहीं जाना, जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।